हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मैं आज आपको अपने गार्डन में बैंगन का प्लांट दिखाऊंगी। आप भी अपने गार्डन में बैंगन का प्लांट ज़रूर लगाएं और ये बहुत ही इजली ग्रो हो जाता है। ये देखिए, इसमें बैंगन लगा हुआ भी है, देखिए कितना अच्छा है। और इसको आप ताज़ा तोड़ के बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा सब्ज़ी अच्छी लगेगी। ये देखिए, और यहाँ पे दो बैंगन लगे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से बैंगन लगा हुआ है, ये देखिए। और इस प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से बैंगन लगा है। और इसमें देखिए नए नए फूल भी आ गए हैं। ये देखिए कली बन रही है और काफ़ी दिन से ये प्लांट लगा हुआ है, अब ये फ्रूटिंग कर रहा है। और ये देखें एक और बैंगन, देखिए इसमें बैंगन में चमक कितनी है। और काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये, और ये एक बार की सब्जी बनाने के लिए हो गया है। और दूसरा प्लांट इधर है, उसमें भी अभी छोटा सा बैंगन लगा हुआ है। देखिए ये छोटा सा बैंगन लगा है। और ये लौकी की बेल है, बहुत ही ज़्यादा इस पर चढ़ गया है। और दो ही प्लांट हैं बैंगन के, और लेकिन जब लगेंगे तो काफ़ी अच्छे से लग जाएंगे। देखिए जी, और नीचे ग्राउंड में ही लगा है तभी बहुत ही बड़ा प्लांट हो गया है, हेल्दी हो गया है। और इसकी शाखाएं इधर उधर फैली हुई हैं, देखिए ये कहां से कहां तक आ गया है। और इसके ऊपर लौकी का ये, इसको मैं हटा दूंगी। काफ़ी अच्छे से ये प्लांट ग्रो हो गया है। और ये लौकी का ये प्लांट मैं हटा दूंगी तो अच्छे से ये इसमें बैंगन लगने लगेंगे। और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये इस तरीके से, और अब लगेंगे भी अच्छे से क्योंकि इस बरसात के टाइम अच्छी फ्रूटिंग इसमें होगी, अच्छी वेजिटेबल्स निकलेंगे। और ये जो इस तरीके से हैं लौकी के, ये हैं, मैं इनको हटा दूंगी और इस प्लांट को थोड़ा सा फ्री रखूंगी लौकी से, तो ये लौकी इसमें पूरा ढक जाएगी और इसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएगी। और नीचे प्लांट है इसलिए इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। और इस प्लांट की एक ऐसा प्लांट है बैंगन का प्लांट वेजिटेबल्स, जो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और आप भी अपने घर में अगर बैंगन आपको पसंद है तो आप ज़रूर अपने घर में बैंगन लगाएं, और ये बहुत ही इजली ग्रो हो जाता है। और ये पौधा ही मैंने नर्सरी से लाके, रोड साइड नर्सरी से लाके ये पौधा मैंने लगाया है। इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, बहुत हेल्दी प्लांट है। और इसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो इधर से उधर फैली हुई हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा खाद नहीं मैंने डाली है क्योंकि ग्राउंड में लगा है, तो इसमें नीचे से ही जो कुछ इसको पोषक तत्व मिलते हैं वो नीचे ग्राउंड से ही मिल रहे हैं। और ये अपने आप में ग्रो होता चला जा रहा है। और आप ही अपने गार्डन में बैंगन का प्लांट ज़रूर से ज़रूर लगाएं, और कम देख रेख वाला प्लांट है और काफ़ी अच्छी इसमें वेजिटेबल्स लगेंगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए,
शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।